हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी तिल और पीनट्स की चटनी बनाकर खाई है? ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे साउथ इंडियन फूड्स जैसे कि इडली, डोसा और पूड़ी पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने रोस्टेड पीनट्स ले लिया है, इसके हमने छिलके निकाल दिया है और इसके साथ हम रोस्टेड तिल मिला देंगे। इस तिल को हमको थोड़ा सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो कड़वी हो जाएगी। बस इतना ही भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। दोनों बराबर क्वांटिटी में लेना है, पीनट्स और तिल। यदि आप लहसुन खाते हो तो लहसुन ऐड कर दें, स्वादानुसार इसमें हरी मिर्च मिला दें और हरी धनिया मिला दिया है हमने। हरी धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है और स्वादानुसार नमक मिला दें। और ये थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है तो इसके लिए हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है। इसमें आप लेमन जूस की जगह दही भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा पानी मिलाते हुए इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। और बाद में हमने फिर ज़्यादा पानी मिलाते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे शुरुआत में, नहीं तो ये हमारा पेस्ट अच्छा बारीक नहीं पीस पाता। तो चलिए, हमने चटनी को पीस कर रेडी कर लिया है। अब एक साइड हम तड़का लगाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल को हमने अच्छा गरम कर लिया है, इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिया और साबुत लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता को भी अच्छे से चटक जाने दिया और इस तड़के को हम चटनी में मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी फटाफट से ये चटनी बनकर रेडी हो गई है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे इंजॉय करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।